जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म में फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है इसके बारे में। यहाँ पर आपको ये तो जानकारी दी ही जाएगी कि कैसे आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप कौन सी वेबसाइट या फिर क्या इस्तेमाल करके आप अपने फोटो का जो साइज है दिए गए साइज के अंदर बनाएंगे और साथ ही उसको अपलोड करेंगे। और गाइज, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सिग्नेचर या फिर फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे, फिर भी आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, तो फिर आप मेरे द्वारा भी आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि कैसे आपको खुद से आपका फोटो साइन बनाना है और उसको अपलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अब चलिए गाइज, आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस जुलाई फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां से सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे और आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके यहां पर लॉग इन हो जाना है और आप यहां पर आ जाएंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के सेक्शन पर। अभी आप यहां पर फोटो एंड साइन अपलोड करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शन जान लीजिए। आपको बोला है कि आपका फोटो का फॉर्मेट और सिग्नेचर का फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। साइज यहां से 10 से 100 केबी के बीच में रखने को बोला है। और जो आपका फोटोग्राफ का डायमेंशन है उसके लिए बोला है कि 3.5 सेंटीमीटर वाइड और 4.5 सेंटीमीटर हाइट उसकी होनी चाहिए। सिग्नेचर का साइज 3 से 30 केबी के बीच में रखा है और जो उसका डायमेंशन है उसका 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अब हम दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना जो इमेज है वो बनाएंगे। तो गाइज, आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज रिसाइजर। इसके बाद में जो पहले वाली वेबसाइट आएगी आपको ओपन कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहां पर एग्जांपल के लिए एक फोटो सिलेक्ट करता हूं, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। अब गाइज, यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बेसिकली यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सीटेट जुलाई 2024 लाइव बैच ऑफर, जो कि टीचिंग परीक्षा ने लिमिटेड टाइम के लिए जारी किया है, जिसमें कि गाइस आप लोग यहां पर आपके इस सीटेट जुलाई की आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो भी आप यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम दाम में लेकर के। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट का फुल कोर्स कितने में मिल रहा है और इसमें आपको बाद में आगे चल करके डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा वो भी आप यहां पर जानेंगे, अप टू 50% तक का आपको यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। और टीचिंग परीक्षा इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट टीचिंग हाउस है, जहां पर आपको जो आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। इन कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा अगर उनकी बात की जाए, तो इसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स एंड PDF मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डाउट सोल्यूशन विद एक्सपर्ट फैकल्टीज जहाँ आप अपने डाउट्स रिजोल्व कर सकते हैं ये भी आपको इसमें मिलेगा, NCERT बुक्स और एनिमेटेड वीडियोस, ये सब आपको इन जो कोर्सेज है इनके अंदर मिलने वाला है। ये बैच आपकी जुलाई 2024 के लिए, तो आप इसको जरूर लीजिए। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मान लीजिए आपको सीटेट पेपर फर्स्ट जुलाई के लिए इसमें कोर्सेज को लेना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपको ये मात्र 600 रुपये में मिल रहा है, जिसका यहां पर रियल प्राइस 1199 था। तो आप देख सकते हैं कि 68.40% तक की छूट आपको दी जा रही है। तो सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर एक कोर्स बाय कर लीजिए। आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल करके जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही सिंपल स्टेप में इसको बाय कर पाएंगे। एंड टीचिंग परीक्षा का ऐप भी है, उसको भी आप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए और कोई सवाल डाउट हो तो इस नंबर के ऊपर कॉल या फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी गाइज हम यहां पर आते हैं और जान लेते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर वाइड में कितने पिक्सल होते हैं। तो मैंने यहां पर सर्च किया 3.5 सेंटीमीटर, तो इसके जो पिक्सल निकल के आए वो 132 आए हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आकर के आप देख सकते हैं डाइप बाई डायमेंशन। तो आप पहले तो इसकी जो वाइड है वो कितनी रखेंगे वो आपको यहां पर 132 रखनी है। तो हम यहां पर इसको 132 कर देते हैं और इसके बाद में हाइट आपको कितनी बोली है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर 4.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं पिक्सल के अंदर, तो 170 आता है। तो अब हम यहां पर जो इसमें आपकी वाइड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम
170। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा। और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे बैकग्राउंड कलर, अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आप कितने फाइल साइज़ के अंदर इसको लेना चाहते हैं, यानी कि कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर 25 KB कर देते हैं। और फिर इसके बाद में आपको रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका इमेज यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस होगा। अब आपको डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइए और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जो फाइल अभी आपकी डाउनलोड हुई है वो फाइल आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आप इसको अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड उसके बाद में आप यहां पर जैसे कि अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी। देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हम यहां से इसको ओके करते हैं और आप क्लिक टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने आपका यहां पर फोटो अपलोड कर दिया। इसके बाद में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो आप यहां पर आइएगा और आपको अपना दोबारा से फोटो अपलोड करना है तो आप सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो है साइन की वो फोटो आपको सेलेक्ट करना है, और आपको आपके साइन में से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्रॉप कर लेना है, और बिल्कुल जो साइन जितने में साइन हुआ है उतना ही साइज आपको लेना है, और फिर यहां से इसको ओपन करना है। तो गाइज अब यहां पर आप क्या वाइड और क्या हाइट रखेंगे वो आप जान लीजिए। तो आप यहां पर इसमें जो रखेंगे वो आपको वाइड के अंदर 500 रखना है और हाइट के अंदर आप यहां पर 300 लिख दीजिएगा। इसके बाद में टारगेट फाइल साइज के अंदर आप यहां पर 25 KB डाल दीजिए, और उसके बाद रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको आप यहां पर रिसाइज कर दीजिए। एंड यहां पर जैसे आप रिसाइज करेंगे तो डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, एंड देन फिर आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर आएंगे और जो आपने अभी सिग्नेचर बनाया वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके यहां से अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आपका यहां पर साइन भी अपलोड हो जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है, अगर मैं यहां पर सिग्नेचर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बना रहा था तो ऐसे में फिर आपका फाइल का साइज कम आता है और वो फिर अपलोड नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा पिक्सल बढ़ा दिया, उससे कोई इशू नहीं होगा। पर आपका यहां पर इमेज अच्छा हुआ है और अच्छी क्वालिटी का अपलोड हुआ है। तो गाइज आप यहां पर इस तरह से इसको अपलोड कर लेंगे। अगर आप फिर भी अपलोड नहीं कर पा रहे ये सब बताने के बावजूद भी, ये सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी, तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे, कहां पर जानकारी सेंड करेंगे वो जान लीजिए। तो गाइज मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहां पर दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूं, तो मैं आपको यहां पर तुरंत आंसर कर पाऊंगा। तो आप यहां पर आइए और मुझे फॉलो कीजिए, ये मेरा इंस्टा आईडी है, और फॉलो करने के बाद में मुझे मैसेज कीजिए और फिर उसमें आप अपनी जो लॉगिन डिटेल है वो सेंड करेंगे और आपका फोटो और साइन सेंड करेंगे। फिर उसको मैं रिसाइज करके आपके जो आपका फॉर्म है उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, एंड देन आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपका फोटो साइन अपलोड हो चुका है। एंड इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, पूरी तरीके से फ्री सेवा रहने वाली है। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका सीटेट जुलाई 2024 में ऑनलाइन फॉर्म में फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे और मेरे द्वारा कराएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।